प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कुछ एक निबंध देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अच्छे लगे तो आप उन्हें नोट कर लेना, ठीक है? देखें, पहला है समाज में नारी की भूमिका। प्रस्तावना। नारी को भला बुरा मत कहो, उसने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है। नारी समाज की धुरी है, अगर यह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नारी से ही सुंदर समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति की जन्मदायिनी है नारी। व्यक्ति का प्रथम गुरु है नारी। कौन कहता है कि नारी अबला है, निर्बला है? झुठला दिया है नारी ने इन दोनों शब्दों को। नारी माँ है, नारी बेटी है, नारी बहन है, नारी अर्धांगिनी है, जीवन साथी है नारी। नारी की महिमा व शक्ति पारिभाषिक शब्दावली की मोहताज नहीं है। अर्थात नारी की शक्ति को परिभाषा के शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। आज की नारी ने अपनी महत्ता का परचम लहराया है। समाज में नारी का स्थान महत्वपूर्ण है। बिना नारी के समाज की कल्पना ही असंभव है। समाज में नारी की भूमिका निर्विवाद है तथा अतुलनीय है। मध्य भाग। आप चाहें तो अलग अलग हेडिंग डाल सकते हैं, वरना हर एक निबंध में तीन हेडिंग तो स्वतः ही होते हैं। प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार। प्रस्तावना में आप शुरू कैसे करें, किसी बिंदु को वो आ जाता है, और मध्य भाग में पूरी विषय वस्तु आ जाती है। फिर अंत में आप समापन किन शब्दों में कर रहे हैं, उपसंहार, उसका निष्कर्ष कैसे निकाल कर उसका समापन कर रहे हैं, ये उपसंहार में आ जाता है। ठीक है, तो आप प्रत्येक निबंध की प्रस्तावना देखें, उपसंहार देखें, आपको जो संजीव एक्सलेंट पासबुक है उनसे कुछ हटकर मिलेगा। तो ये सारे निबंध देखना, दो तीन मेरे खुद के लिखे हुए हैं, दो तीन संकलित किए हुए हैं। तो देखें, मध्य भाग। नारी ने अपने विविध रूपों में समाज में बेजोड़ भूमिका निभाई है। पुराणों में लिखा है, हे देवी, संसार की समस्त विधाएं तुमसे निकली है और समस्त विश्व एक तुम ही से पूरित है, अतः तुम्हारी स्तुति किस प्रकार की जाए। मैंने हेडिंग डाल दी इसमें, नारी माँ के रूप में। नारी जन्मदात्री है, बच्चे की प्रथम शिक्षिका है। संसार का प्रत्येक सदस्य इसकी गोद में पलकर खड़ा होता है। उसके स्तन का अमृत पीकर वह पुष्ट होता है, जीवन ग्रहण करता है। अतः जो व्यक्ति नारी को प्रताड़ित करता है वह सब से भी अधम होता है। अधम मतलब नीच, सब मतलब मरे हुए के समान नीच होता है। संसार का पालन करता हो सकता है ईश्वर, मगर जननी सिर्फ माँ है। उसकी तो गोद का नाम ही ऐश्वर्य है। आप चाहें तो ये कोटेशन नोट कर सकते हैं, ठीक है, और एडिंग्स नोट कर लें। बीच की सामग्री तो दो तीन बार पढ़ेंगे या दो तीन बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना? निबंधों में ज्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है, तो थोड़ा कोई आंकड़े होते हैं उनको नोट कर लो, या कोई कोटेशन है उसको नोट कर लो, या हेडिंग नोट कर लो, और बीच की विषय वस्तु तो दो तीन बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? और कई निबंध देखते हैं ना, तो उनकी प्रस्तावना लिखनी आ जाती है कि कौन से टॉपिक की शुरुआत कैसे कर रहे हैं, ये प्रस्तावना, ठीक है, उपसंहार, ये चीजें देखने वाली होती है, ठीक है? निबंध आकर्षक होना चाहिए, ठीक है ना, आकर्षक शैली में। तो देखें आगे, आज को जब जब जरूरत हो तब तब माने संत, महात्मा, त्यागी, दानी, योद्धा, वीर अपनी गोद में पाल पाल कर दिए हैं समाज को। माँ से ही मिला है सब कुछ, जन्म दात्री है माँ, बता दिया ना? ऐसी माँ को कैसे विस्मृत किया जा सकता है? कुछ विडंबना ही हो सकती है समाज में। आजकल कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध सामने आने लगे हैं। वेश्याएं तो माँ जैसे पवित्र शब्द पर ही कलंक होती है। मगर ऐसे कुछ घृणित प्रसंग छोड़ दें तो यह सुंदर सृष्टि माँ के कारण ही स्वर्ग है। देवता भी माँ की गोद पाने को तरसते हैं। यह हेडिंग था नारी माँ के रूप में, और अब है नारी पत्नी के रूप में। कहते हैं कि पुरुष की प्रगति में नारी का हाथ होता है। नारी का यह रूप माँ का भी हो सकता है और पत्नी का भी हो सकता है। वह अर्धांगिनी बनकर पुरुष का पथ प्रदर्शक रही है। परिवार में पत्नी ने स्नेह, प्रेम, सौजन्य, उल्लास, प्रसन्नता, धैर्य, सहनशीलता और प्रकृति प्रदत्त गुणों से परिवार को प्रवान चढ़ाती है। पत्नी सावित्री बनकर यमराज को परास्त करके पति को वापस ले आती है, तो कभी कैकेयी बनकर युद्ध में रथ के पहियों में उंगली लगाकर अपने पति की सहायता करती है, तो कभी सीता बनकर राम की सहायक बनकर जंगलों में भटकती है। इतना ही नहीं, पत्नी का यह रूप और देख लीजिए। जब पति मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, हाड़ा रानी के त्याग को कौन भूल सकता है। तो ये था नारी पत्नी के रूप में, दो तीन बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नारी पुत्री के रूप में। आजकल लोगों की सोच को और बुद्धि को शायद दीमक लग गई है, जो कन्या भ्रूण हत्या करने को आमाद हो जाते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर, वे नारी की महत्ता क्या समझेंगे।
एक की कहानी की पंक्ति है, पुत्र से जहां वंश के चलने की आशा होती है वहीं नाम डूबने का भी डर रहता है। लड़की 18-20 साल तक अपने पिता की इज्जत रखते हुए अपने दायित्व निभाती है, फिर शादी के बाद पति परिवार की इज्जत का जिम्मा अपने सिर पर उठा लेती है, दो दो परिवारों का बराबर ध्यान रखती है। आज के शिक्षा जगत से को ही लें तो लड़कों से कहीं लड़कियां अव्वल रह रही है। नारी समाज सुधारक के रूप में हम देखते हैं कि नारी ममतामयी माँ है, स्नेहमयी भगिनी है, भगिनी यानी बहन, पति परायण पत्नी है, लेकिन यदि उसकी शक्ति को ललकारा गया है तो दूसरी ओर नारी चंडी है, दुर्गा है और काली का रूप भी ग्रहण कर लेती है। जब जब समाज में असुरता बढ़ी है, दानवता, तो संकट के बादल छाए हैं, तो नारी के देवी अवतरण ने समाज में फैले कोहरे को दूर किया है, समाज को नई रोशनी दी है। जब जब समाज में सुधार की जरूरत पड़ी है उसने समाज सुधारक के रूप में भी एक नई भूमिका निभाई है। आम्रपाली के रूप में कहीं वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन खपा देती है, तो कहीं वह मीरा के रूप में समाज को भक्ति का पाठ पढ़ाती नजर आई है। मार्गरेट नोबल भगिनी निवेदिता बनकर भारत में शिक्षा का प्रसार करती है, सामाजिक कुरीतियों का उल्लंघन करती है, सामाजिक सुधारों में अपना जीवन अर्पण कर देती है। आज भी भारतीय नारियां मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, किरण बेदी, आनंदीमयी माँ, माँ अनुपमा आदि के रूप में समाज सुधार की भूमिका निभा रही है। सानिया मिर्जा जैसी प्रतिभाएं भारत के गौरव को बढ़ाती हैं। आज की नारी सिर्फ इतना ही नहीं, आज तो नारियां हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। IT, BPO, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, सेना, राजनीति और विज्ञान में उनके छलांग मारती है। आंकड़े तो यही बताते हैं कि आज के जमाने की महिलाएं हर उस क्षेत्र में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है जो अब तक पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। सुनीता विलियम्स, इंदिरा जी, सोनिया गांधी, मेधा पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सोनिया मिर्जा, रचेंद्री पाल आदि अनेक ऐसे नाम हैं जो आज अपने परिचय के किसी के मोहताज नहीं है। आज हमारे देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल आसीन है। ये थोड़ा पुराना लिखा हुआ है तो आप यूं लिखिए, आसीन रह चुकी हैं, यूं लिख देना, जो इस पद पर आसीन होकर भारतीय नारी के गौरव को बढ़ा रही है। आप लिख देना बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित एक महिला के रूप में राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपको लिखना है निभा चुकी है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पुराना लिखा हुआ है। हौसले के पंख से सफलता की उड़ान भरने वाली महिलाओं ने साबित कर दिया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा लोरे मारता रहता है। यही कारण है कि आज की भारतीय नारी घर और बाहर दोनों तरफ अपनी भूमिकाओं में संतुलन बनाए हुए हैं तथा अपनी बेहतर कार्य क्षमता का परिचय समाज व परिवार को दे रही है। अब सारा वर्णन करते हुए लास्ट में उपसार कैसे लिखते हैं ये भी देख लो, निष्कर्ष होता है एक तरह से अपनी उन्हीं बातों का। तो देखो उपसार, यह सच है कि महिलाएं प्रगति के झंडे गाड़ रही है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिन्हें दूर करना नितांत आवश्यक है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या होने के कारण हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में लड़कियों की संख्या में गिरावट आई है। आज नारी को प्रताड़ित करने की बात सामने आती रहती है। दहेज प्रथा ज्यों की त्यों विकराल रूप लिए हुए हैं। नारी उत्पीड़न, नारी शोषण, बलात्कार, छेड़छाड़ की समस्याएं मुंह बाई खड़ी है। इसके लिए आवश्यक है सोच बदलने की। नारी उपभोग की वस्तु नहीं है, वह माँ बेटी बहन का आदर्श रूप भी अपने में समेटे हुए है। नर के बांटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन क्या वह संग नहीं लाई। फिर भी आशा इस बात की है कि नारी आज जागृत हो चुकी है, वह अपना अस्तित्व खुद के दम पर भी कायम कर रही है। नारी शिक्षित होगी तो पुरुष समाज स्वतः सुधर जाएगा। नारी की स्थिति स्वयं नारी को ही सुधारनी होगी, पुरुष के भरोसे बैठे रहना बेमानी है। नारी अपना उत्तरदायित्व समझेगी तो सुंदर पुरुष का निर्माण भी करेगी, क्योंकि वह पुरुष की प्रथम शिक्षिका है। वह बच्चे में सुसंस्कार डालेगी, पति के साथ अपना दायित्व समझेगी तो आदर्श पति पत्नी के कारण पुत्र भी आदर्श ही बनेगा। बच्चा तो कच्ची मिट्टी का लोथड़ा होता है, माँ ही उसे आकार देती है। ठीक ही कहा है, एक नारी पढ़ेगी एक पीढ़ी पढ़ेगी। यदि ऐसा होगा तो निश्चय ही 21वीं सदी महिलाओं की होगी। कल चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार निबंध पर, ठीक है। तो इसके आप ये कोटेशंस लिख सकते हैं और ये हेडिंग्स लिख सकते हैं, और बाकी आप इसको 2-3 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है।